ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر رواه الترمذي. واجب الاحترام سامعین و سامعات، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے، دوستو بزرگو اور عزیز بھائیو، رمضان المبارک دا اج دوسرا خطبہ جمعہ اور آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں جس عنوان تے چند باتاں عرض کرنا چاہنا او عنوان ہے میں توبہ تو کرنا چاہتا ہوں مگر اللہ دے حضور دعا ہے
कि अल्लाह कुरान और सुन्नत दी रोशनी अंदर हक बाता कहने दी तौफीक अता फरमाए और इन किताब सुन्नत वालिया बातों नो समझ के अल्लाह अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन ने अपने मोमन बंदियां दिया खूबियां और अपने मोमन बंदियां दे औसाफ चो एक खूबी और एक वसफ ए भी बयान फरमाया है कि अल्लाह दे मोमन बंदे दे कोलो जिस वेले कोई गुनाह सरजद हो जाए एदे कोलो कोई गलती हो जाए अल्लाह दी नाफरमानी सरजद हो जाए तो अपने खाल के हकीकी दे दरबार दे अंदर बड़ी नदामत और बड़ी शर्मिंदगी दे नाल अपने अल्लाह दे सामने रो रो के आंसू बहा के और अपने अल्लाह दे सामने आइंदा ना गुनाह करन दा पक्का और सच्चा वादा करके अपने अल्लाह दे सामने रोंदा और अपने रब दे सामने अपने गुनाह दा एहसास करके तौबा करदा और इनो इस बात का यह एहसास है कि अल्लाह दे फरिश्ते मेरे इस बात दे मुंतजर ने कि हो सकता है ये गुनाह तो बाद जल्दी जल्दी तौबा कर ले और एदा गुनाह एदे नामा अमाल अंदर ना लिखे आ जाए तो इस बात का एहसास अपने दिल अंदर पैदा करके फिल फौर अपने खाल के हकीकी दे अगे रो पैंदा आंसू बहांदा और नदामत और शर्मिंदगी दे आंसू बहा के अपने मालक दे कोलो पक्की और सच्ची तौबा कर लेंदा और एदा मालिक एदे गुना माफ फरमा के और एदे ते राजी हो के दुनिया दी जिंदगी अंदर ही अल्लाह अपने जन्नत दे इनु सर्टिफिकेट अता फरमा देंदा और दूसरे पासे ओ बेनसीब बंदा के जेड़ा है ते नाम दा मुसलमान है अपनी जबान तो कलमा तौहीद दा इन्हें इकरार कीता लेकिन गुनावां दे अंदर इस कदर डुबिया अल्लाह दी बगावत और नाफरमानी दे अंदर इस कदर गर्क हो चुके है कि इनो अपने गुनाह दा एहसास तक भी नहीं हुंदा और फिर अल्लाह दी नाफरमानी और गुनावां नू अपनी जिंदगी दा मामूल बना लेंदा गुनाह कर कर के इस बेनसीब दा दिल काला सिया हो जांदा और फिर जिंदगी अंदर कदे कोई इंज दा मौका बन जाए
किसे दे समझान ते बंदा तौबा करन ते एग्री हो जाए, चलो मैं अपने गुनावां दी तौबा ही कर लेना, तो शैतान फिर मुख्तलिफ हीले और बहाने एदे जहन अंदर पैदा करदा और वसवसे एदे जहन अंदर पैदा करदा कि हाले ते तेरी बड़ी लंबी उम्र पई है, हाले ते तेरे ते जवानी दी इब्तदा है, हाले जवानी गुजरेगी ते फिर जाके किते बुढ़ापा आएगा। कोई चार दिन अपनी जवानी दे मस्ती दे दिन गुजार ले, अपनी मर्जी दे दिन गुजार ले, बड़ा वेला पिया तौबा करन दा, ते चलो फिर बुढ़े वारे जाके तौबा कर लवांगे। बहुत सारे हीले बहाने एदी तौबा दे अगे रुकावट बनते ने और फिर ऐसे खुश फहमी दे अंदर ही एदी जिंदगी गुजरदी गुजरदी आखर अल्लाह दी तरफो मौत दा पैगाम आ जांदा है और मौत दा फरिश्ता इनो अपने आहनी पंजे अंदर डबोच लैंदा है। और इस बेनसीब वास्ते हमेशा हमेशा वास्ते फिर तौबा दा दरवाजा बंद हो जांदा है और जदो तौबा दा दरवाजा बंद हो जांदा है ना, तो फिर हाले कोई कोई सा एदे अंदर मौजूद ने। अपनी मौत दी सख्ती जदो वेंदे ने ते फिर अपने दिल अंदर ख्याल करदा है काश मैनू जिंदगी दे चंद सांस और मिल जान, मैनू जिंदगी दे चंद लम्हात और मिल जान, मैं नेक अमल कर लवां और अपने खाल के हकीकी को लोग गुनामा दी तौबा कर लवां, ते लोगों फिर हथों निकलिया मौका दोबारा हाथ नहीं आउंदा। अल्लाह दे कुरान ने इस बात की वजाहत बयान फरमाई, आओ जरा अल्लाह दे कुरान नो नोट फरमा लो। रब्बुल आलमीन दे कुरान दा 18वां पारा और सूरत दा ना सूरा मोमिनून, तो अल्लाह दा कुरान इस बंदे दे इस वक्त दा तज़किरा बयान कर रहा है। आओ जरा अल्लाह दे कुरान नो नोट फरमाना और आज दे जुमे दियां मेरियां बातां अपने दिल दी तख्ती ते लिख के ले जाना। हो सकदा कि मालक ने इस रहमतां वाले महीने दे अंदर अपनियां रहमतां दे दरवाजे खोले ने और ओदी रहमत दे नाल बात समझ विच आ जाए और मेरी तेरी दिल दी दुनिया अल्लाह बदल देवे और अमली जिंदगी अल्लाह तौबा दी तौफीक दे के अता कर दे और मेरी तेरी दुनिया आखरत दी जिंदगी कामयाब बन जाए। अल्लाह दा कुरान ऐलान फरमा रहा है, अल्लाह सुल जलाल फरमांदे ने, ए मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूबा ऐलान फरमा देवो, फरमाया हत हत्ता एजा जा आहदा हो मुल मौतो काला रब्बे इरजून ला अल्ली आमलो सालहन फी मा तरक्तो। तर्जमा किए, ए बंदा अपने हसरत ते अफसोस नाल हाथ मल दिया होया है, अल्लाह दा फरिश्ता मौत दे आहनी पंजिया दे अंदर इनो पकड़िया है, एदी रूह एदी हसली तक पहुंच रही है और एदे गले विचो आवाजां निकल रही ने, ते अरशां वाले रब ने तौबा दा दरवाजा एदे वास्ते अल्लाह ने हमेशा तौर ते एदे वास्ते बंद कर दिता है, ते इस वेले आके इनू याद आउंदा ते कुरान आउंदा हत
हत्ता एजा जा आहदा हो मुल मौतो जदो फिर इना बेनसीबा चो किसे दी मौत दा वेला आउंदा ते आंदा काला रब रजूनी ला अली आमलो साले अन अल्लाह मेनो दोबारा दुनिया दे अंदर लौटा दे अल्लाह चंद घड़िया मेनो जिंदगी दोबारा अता कर दे अल्लाह मेनो चंद लम्हे मेनो दोबारा जिंदगी अता कर दे आ जेड़ी तेनु जिंदगी इतनी लंबी रब ने अता फरमाई अल्लाह ने 50, 60 साल, 70, 80 साल दी जिंदगी दिता आ एडी लंबी जिंदगी दे अंदर हर मिनट मिनट ते हर लम्हा लम्हा एदा कीमती है जेड़ा अल्लाह दिया ना फरमानिया दे अंदर गुजार दिता ही रब दिया बगावतां दे अंदर गुजार दिता ही गुनावां दे अंदर गुजार दिता है आ जिना ते बदकारी अंदर गुजारने वाले आ बेनसीबा चोरियां ते शराबां ते जुवियां दे अंदर अपनी जिंदगी बर्बाद करन वाले आ बेनसीबा एंज करके मौत दा वेला ते जिंदगी दे एक एक सैकड नो तरसन दे आए जिंदगी दे एक एक मिनट नो तरसन दे आए जिंदगी दे एक एक लम्हे नो तरसन दे आए ते आंदा ला अली आमलो सालेहन अल्लाह मेनू थोड़ी जी मोहलत अता कर दे अल्लाह मेनू थोड़ा जी वक्त अता कर दे चलो कम कम मैं अपने गुनावां दी तौबा ही मैं कर लवां मैं अपने गुनावां दी मुआफ़ी मंग लवां आसमान तो आवाज़ आउंदी है आ इतनी लंबी जिंदगी मैं तेनू अता फरमाई तेरी जिंदगी दे अंदर रमजान दा महीना भी आया तेरी जिंदगी दे अंदर मेरिया बरकतां वाला महीना भी आया तेरी जिंदगी दे अंदर मेरिया रहमतां वाला महीना आया और मैं इहदे अंदर रहमतां दे जन्नतां दे दरवाजे मैं खोल दिते मैं ते आसमानां दे दरवाजे भी खोल दिते फिर मेरा आवाज देन वाला एक फरिश्ता बिला नागा रोसाना जमीन ते आके आवाज देंदा सी आंदा सी या बागे अल खैर अकसर व या बागे अशर अकबर मेरा आवाज देन वाला फरिश्ता आवाजा देंदा सी और रब ने सुनहरी मौका तेनू अता फरमाया और नेकियां करन वाले अल्लाह ने तेनू मौका रमजान जैसा अता फरमाया ते बढ़ चढ़ के नेकियां कर ले ते नेक अमाल कर ले ते फरिश्ता फिर आवाजा देंदा वया बाग अशर अकबिल गुनावां दे अंदर अगे वधन वाले अल्लाह दिया ना फरमानिया दे अंदर अगे बढ़न वाले आ पूरा साल मेरिया ना फरमानिया करन वाले पूरा साल बेनमाजी बन के जिंदगी गुजारन वाले पूरा साल गुनावां ते सिनावां दे अंदर बदकारियां ते अड्डियां ते जाके जिंदगी गुजारन वाले और पूरा साल सैनमा ते टैटरां दी सीनत बन वाले बेनसीबा पूरा साल ही इन्हां टीवियां ते डिशां दे अगे बैठन ते जिंदगी गुजारन वाले और चलो रमजान दा महीना आया बेनसीबा होनी गुनावां तो रुक जाए होनी गुनावां तो बाज आ जाए होनी अल्लाह दिया ना फरमानिया तो बाज आ जाए होनी रब दिया बगावतां तो बाज आ जाए और मेरा फरिश्ता पूरे तरीके त्री दिन तेनू आवाजा देंदा रहा है मसाजद दे अंदर उलमाए किराम दरूस देंदे रहा मसाजद दे अंदर खुतबा ते जुमात दे अंदर तेरी तरबियत वास्ते वाजो नसीहत कर दे रहा लेकिन तेनू किसे दी गल दी समझ नहीं आई तू अपनी मनमानी दी जिंदगी गुजारदा रहा है ते हुन मेरे दरबार अंदर तेरे वास्ते जिंदगी दा एक सैकंड भी कोई
कोई नहीं, जिंदगी का एक लम्हा भी कोई नहीं। ए बेनसीब दी मौत आई, दुनिया तो रुखसत हो गया, कबर दे अंदर इनू दफन किया गया, ते कबर दे अंदर इहदे वास्ते अजाब शुरू हो जांदे ने, इहदे वास्ते सख्तियां शुरू हो जांदियां ने। आ कबर दे सप ते ठुवे इनू कट दे ने ते इनू दस दे ने, जिन्हां दे बारे आमिना दे लाली सलाम ने फरमाया, ए मेरी उम्मत दे ओ लोगो, अगर कबर दे जेड़े हशरातुल अर्ज ठुवे ने, कबर दे सप ने इतने जहरीले ने, अगर इन्हां चो कोई एक अपना मुंह ते अपनी सिरी बार निकाल के अगर जमीन ते सिर फूका ही मार छड़े, ते मेरे आका फरमांदे ने कयामत तक अल्लाह दी जमीन ते सबजा तक ना उगे। आ इतने जहरीले ठुवे ते सप ने जेड़े इस बेनसीब ते मुसलत कर दिते जांदे ने। और रब ने ते तेनू मौका दिता ही, मैं तिया ना हुना रमजान दियां बहारा ने, ते अज करके पिछली रात दा टाइम हुंदा। इमाम बुखारी रहमतुल्ला अलैह ने अपनी बुखारी अंदर रवायत नकल कीती है कि अल्लाह सुल जलाले वाली कराम दे साते गिरामी, अज करके रात दा तीसरा पैर जदो शुरू हुंदा, अल्लाह आसमान ने दुनिया ते जिवें उस मालक दी शान दे लायक है, अल्लाह आसमान ने दुनिया ते आके आवाज़ां देंदे ने, हल में मुस्ताशफेन, हल में मुस्तारज़ेकिन, है को मेरे कोलो गुनावां दियां मुआफिया मंगन वाला, हाँ मैं ये दे गुनावां ते रहमत नाल मुआफी दा कलम फेर दे, है को मेरे कोलो रिज़क मंगन वाला, मैं रहमतां दे खजानियां दे मुंह खोल के मैं अपने रहमत दे रिज़क नाल इनू माला माल कर दिया। ओए है कोई बीमार दुखी जेड़ा दुखां ते बीमारियां दे अंदर अपनी जिंदगी बसर करने वाला, आए ना आए मेरा दरबार खुला दर खुला, मेरे कोलो शिफावां मंगे, मैं अपनी रहमत नाल इनो बीमारियां तो शिफावें अता वर देवां। आए फिर इधरों जिदी किस्मत जाग पे, जिदा मुकद्दर जाग पे, अल्लाह जिदा नसीबा जगा छड़े, ए फिर पिछली रात उठ दे अपने रब दे सामने सजदे पै जांदा, अपने रब दे सामने गिड़गिड़ांदा पिया, अपने रब दे सामने मुआफियां पिया मंगदा है, ए शवालिया रब्बा मैं अपनी जिंदगी दे गुनावां दी गठड़ी अल्लाह गंडा खोल के मैं तेरे सामने खोल छड़ी है, अल्लाह मैनू जिंदगी दा हर गुना याद ही है, अल्लाह मैं सारे गुना तेरे सामने रख के अल्लाह मैं शर्मिंदा, अल्लाह मैं शर्मिंदा वै, अल्लाह मैं अपने गुनावां ते नादम है। इधरो बंदा अपने रब नू मनान दियां कोशिशां करदा, ते उधरों आसमान तो रहमत जोश विच आउंदी है, ते आसमान तो आवाज़ां की आंदियां ने, ए मेरे फरिश्तियो, ए मेरा बंदा अपने गुनावां दी मेरे कोलो तौबा करने वाला, इहनू बशारतां सुना देवो, इहनू ऐलान करके दस देवो, अल्लाह की ऐलान है, फरमाया नब्बे एबादी, नब्बे एबादी, नब्बे एबादी, अन्नी अनल गफूर रहीम। ए मेरे फरिश्तियो इनू बशारतां दे देवो, इनू खुशखबरियां दे देवो, अन्नी अनल गफूर रहीम। ए मेरे बंदे मेरे कोलो मुआफिया मंगन वाले आए, आ मेरी ती
सिफत ये वे मैं ते है ही गफूर और रहीम, मैं ते है ही अपने बंदे दे गुनावां नूं मुआफ करन वाला वा। अल्लाह सुल जलाले वाली कराम दी रहमत के वे आवाज़ां दे रही है, फरमांदे ने अधी राती रहमत रब दी ते कर बुलंद आवाज़ां, अधी राती रहमत रब दी ते कर बुलंद आवाज़ां, मंगन वाले कारण खुलाइए उस दाता दा दरवाजा। आसमान वाला रब आवाजा देंदा है, अल्लाह जुल जलाले वाली कराम अपनी रहमत दे नाल अपने इस बंदे दे गुनावां ते माफी दा कलम पेर के अल्लाह ये दे जिंदगी दे सारे गुनाह माफ करके अल्लाह इनू धोई देंदे ने, अल्लाह ये दे गुनावां नू साफ कर देंदे ने। तो इस वास्ते मेरे बरादर मेरे भाई कोशिश करया कर कदम कदम ते, कोशिश करया कर हर लम्हे दे अंदर अल्लाह जुल जलाले वाली कराम दे सामने गुनाहों की माफी मंगन की कोशिश करया कर। अपने रब दे सामने आजजी करन दी कोशिश करया कर, गुनाहों दी माफी मंगन दी कोशिश करया कर। अल्लाह सुल जलाले वाली कराम तेनू अपनी रहमत दे नाल अल्लाह माफ फरमा देंगे। ते कई बेनसीब ऐसे भी है ने के जिन्ना नू रब ने जिंदगी भी अता फरमाई है, अल्लाह ने जवानी भी अता फरमाई है, अल्लाह ने मालो दौलत भी अता फरमाया है, अल्लाह ने जाहो जलाल भी अता फरमाया, रब ने इज्जत और तौकीर भी अता फरमाई है, ओए हर नेमत अल्लाह ने इनु अता फरमाई है। लेकिन ए बंदा सारिया नेमता दे बावजूद अपने रब दे सामने कदे गिड़गिड़ाया ही नहीं है, अपने रब दे सामने कदे रोया ही नहीं है। हाँ हाँ तेरी जिंदगी दे अंदर अगर तेरा कोई रिश्तेदार फौत हो जाए ओदी जुदाई दे अंदर तेरी आंखां चो आंसू निकलदे ने, अगर तेरा दुनिया च माल बर्बाद हो जाए तेरा कारोबार बर्बाद हो जाए तेरी आंखां चो अथरू निकलदे ने, तू टाई मार मार के रोना दुनिया दी जिंदगी दे अंदर और तेरा को रिश्तेदार नाराज हो जाए अपनी आंखां चो आंसू बहा बहा के और सिसकियां भर भर के रोना, जिंदगी दे अंदर तेरा नुकसान हो जाए अपने अपने जिंदगी वास्ते अखा चो आंसू बहा बहा के रोना, लेकिन तेरी जिंदगी दे अंदर इंज दा वक्त क्यों नहीं आउंदा अपने गुनाहों ते शर्मिंदा होके अपने मालक दे सामने तौबा करन दे अंदर तेरी अखा चो अथरू खत्म हो गया, तेरी अखा चो पानी खत्म हो गया। दुनिया दी दौलत वास्ते तेनू बहुत सारिया सिसकियां आउंदियां ने, लेकिन अद्धी रात उठ के अपने गुनाहों ते शर्मिंदा होके अपने रब दे सामने सिसकिया क्यों नहीं भरदा। अल्लाह जुल जलाल दा कुरान ऐलान कर लिया, अल्लाह फरमांदे ने तूबो इलल्लाह जमीअन वा तूबो इलल्लाह जमीअन अय्युहल मोमिनून। फरमाया मोमनो अपने अल्लाह दे सामने तौबा कर लो, लेकिन मेरे तेरे माशरे दे अंदर लोग तौबा ते कई बंदे करना चाहते ने, लेकिन केड़ियां केड़ियां चीजा ये दे अंदर रुकावट ने, ये दे सामने रुकावट बन जांदियां ने। अंदरों जमीर भी ये दा इनू मुलामत कर दे, बड़े गुनाह कर लई अपने रब दे सामने तौबा कर लै, इधरों तौबा करन दा प्रोग्राम बना
आंदा है। इधरों शैतान बड़े बड़े हीले बना के बड़े बड़े वसवसे दिमाग अंदर पा देंदा है, ते फिर बड़िया बड़िया लंबिया उम्मीदां इहदे सामने आउंदियां ने। कोई गल नहीं, बड़ा वेला पिया, मैं तौबा कर लांगा। इन्हां उम्मीदां नूं मद्देनजर रख के हराम भी कमाई जांदा है, हलाल भी कमाई जांदा है, ते बड़िया बड़िया कोठियां ते बंगले बनाई जा रहा है। और मैं ते रह नहीं हमेशा इहदे अंदर, आ जिहड़ी मेरे कोल दौलत है वे ये हमेशा ही मेरे को रहनी है, आ जिहड़ी मेरी इज्जत है वे ये हमेशा ही मेरे को रहनी है, आ जिहड़ी मेरी जवानी है वे ये हमेशा ही मेरे ते रहनी है। ओए उम्मीदां दे महल बना के बैठा है, बड़िया बड़िया आरजूआं लैके बैठा है, इहदियां उम्मीदां इहदियां आरजूआं इहदे सामने ए जनाब तौबा दे अंदर रुकावट बनदियां ने। मैं रब्बुल आलमीन दे कुरान दे कोलो पुछिया कि ए अरशां वाले अल्लाह दे कुरान अल्लाह दे पाक किताब दसो ने ए केड़ियां केड़ियां आरजूआं उम्मीदां लैके बैठा है जिहदी वजह तो तौबा नहीं करदा। ते फिर अल्लाह दे कुरान ने जवाब दिता है और बड़े प्यारे अंदाज नाल अल्लाह दा कुरान नोट फरमा लो। अल्लाह दा कुरान दा तीसरा पारा सूरत दा ना सूरा आले इमरान है, आयत नंबर 14 ते कुरान कह रहा है, अल्लाह फरमांदे ने जुय्यिना लिन्नास हुब शहवात मिनन निसाए वल बनीन वल कनातीर मुकंतरते मिन साहब वाल फिजाते वाल खैल मुसवामाते वाल अनाम वाल हर से जाल का मताउल हयात ते दुनिया वल्लाओ इंदहु हुस्नुल माव। अल्लाह दे कुरान ने वजाता कीतियां बड़िया बड़िया लंबिया उम्मीदा लैके, ते फिर इन्हां सारिया चीजां नाल मुहब्बत कर बैठा कि दे नाल। अल्लाह फरमांदे ने जुय्यिना लिन्नास हुब शहवात, इंज करके शैतान जेड़ा है ख्वाहिशात नूं खूबसूरत बना के ख्वाहिशात नूं मुजय्यन बना के इंसान दी जिंदगी दे अंदर इहदे सामने पेश कर देंदा है। ये बेनसीब इन्हां ख्वाहिशात नूं वेख के ते एवें उम्मीदां रख के बह जांदा है, चलो मौज मेला कर लवां जिंदगी विच मैं फिर तौबा कर लवांगा। अल्लाह फरमांदे ने मिनन निसाए, सब तो पहले बंदे दी तौबा अंदर रुकावट जड़ी बनती है। अल्लाह फरमांदे ने मिनन निसाए, इन्हां दुनिया दियां खलीज औरतां दी मुहब्बत है, इन्हां दुनिया दियां खलीज बीबियां है, और नेक जड़ियां होंदियां नेक होंदियां ने अल्लाह वालियां होंदियां ने मोमिनात होंदियां ने, ओ ते आप कदम कदम ते अपने अल्लाह दे सामने तौबा कर दिया ने, अरे ओ ते आप ने माजी ते तहज्जुद गुजार होंदियां ने, ओ उन्हां ने लोगां नूं गुनाहां दी दावत की देनी है, ओ ते अपने गुनाहां ते रब अगे शर्मिंदा होंदियां ने। लेकिन बहुत सारियां ऐसियां बेनसीब ऐसियां बाजारी औरतां ने कि जिन्ना बाजारी औरतां दी मुहब्बत इस बेनसीब दे दिल अंदर कर कर जांदी है, ते फिर उस औरत दी वजह तो ये बंदा तौबा रब दे सामने कर नहीं कर सकदा। कई समझाने वाले समझांदे वी ने ते दे दिल अंदर शैतान वसवसे पांदा है, और बेनसीबा तूदे नाल ते तू वादा कीता है मैं सारी जिंदगी तेरे नाल ही गुजारांगा, दुख सुख तेरे नाल गुजरनगे, मैं शादी भी तेरे नाल करावांगा, और तू ते जिंदगी दी मुहब्बत दी औरत नाल वादे कीते ने, ते अज अगर तू तौबा कर लई ते दस खा फिर इस बीबी नूं जवाब की देवेंगा, इस औरत नूं जवाब की देवेंगा। अल्लाह मैं तेरे कुरान तो सदके जावां, रब ने वजाहतां कर दित्तियां ने, फरमाया मिनन निसाए, सब तो पहले ए नखलीज औरतां दी मुहब्बत है, औरतां दी मुहब्बत इस नौजवान अज तौबा नहीं करन देंदी है, इन्हां लड़कियां दी मुहब्बत इस नौजवान अज तौबा नहीं करन देंदी है, एदा मोबाइल नूं तौबा नहीं करन देंदा, और एदा गल्लां गैर मा
ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਚਸਕਾ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਬੇਨਸੀਬ ਨੂੰ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਏ ਦੇ ਤੇ ਤੌਬਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਖਲੀਜ਼ ਔਰਤ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਨ ਵਾਲ ਬਨੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੌਬਾ ਅੰਦਰ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਮਾਨ ਹੈ ਆਂਦਾ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਲਓ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਕਿਤੋਂ ਖਵਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਖੋ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਮਾ ਅਮਵਾਲੁਕੁਮ ਵਾ ਔਲਾਦੁਕੁਮ ਫਿਤਨਾ। ਲੋਗੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਲ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਤੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਨੇ। ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕੌਰ ਮੁਕਾਮ 16ਵਾਂ ਪਾਰਾ ਹੀ ਤੇ ਸੂਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸੂਰਾ ਅਲ ਕਾਫੀ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਲ ਮਾਲੋ ਵਲ ਬਨੂਨ, ਅਲ ਮਾਲੋ ਵਲ ਬਨੂਨ ਜ਼ੀਨਤੁਲ ਹਯਾਤ ਦੁਨੀਆ ਵਲ ਬਾਕਿਆ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਹਾਥ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ੇਬੋ ਜ਼ੀਨਤ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਣਗੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨੇਕ ਅਮਾਲ ਆਣਗੇ। ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਔਲਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਓ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵਲ ਕਨਾ ਤੀਰ ਮੁਕਨ ਤਾਰਾ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਬੜਾ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਲਤ ਦੀ ਬੋਹੀ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਲਤ ਦੀ ਬੋਹੀ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਔਰ ਲਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤਾਂ ਬੜੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਬੜਾ, ਬਸ ਇਹਦਾ ਮਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਨਾ ਜ਼ਾਹਬ ਵਲ ਫਿਜ਼ਾ ਤੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਦਾ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੋਨਾ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਵਲ ਖੈਲ ਮੁਸਵਮਾ ਤੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਲਤੂ ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਖਰ ਕਰਦਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀ ਡੇਰੇਦਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸੱਤ ਸੱਤ ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜੇ ਤਕੱਬਰ ਤੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤੇ ਪੈਲੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਵਲ ਅਨਆਮ ਵਲ ਹਰਸ ਹੈ, ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਤੇ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਇਹਦੇ ਮੁਰੱਬੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਮਤਾਉਲ ਹਯਾਤ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੀ ਮੌਜ ਮੇਲਾ, ਇਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹਦੀਸ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਜਰਾ ਸੈਯਦਾ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਲੇਟੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਤੋਂ ਕੁੜਤਾ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੰਗੇ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖਜੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨਾ ਮੁਸੱਲਾ ਚਟਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੰਗੇ ਜਿਸਮ ਹੀ ਉਹ ਚਟਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਟੇ ਨੇ।
ते मेरे आका ने दोपहर दा कैलोला फरमा रहे ने, आराम फरमा रहे ने, ते हजरत उमर बिन खताब रसी अल्लाह ताला अन्हो दिल अंदर ख्याल आया, मोहब्बत ने जोश मारिया, मैं अल्लाह दे पाक पैगंबर सलाम दा मैं जरा दीदारी करा वै, आप दी सियारत करा वै, आप नाल बह के कुछ चार बातें ही करा वै। इधरो हजरत उमर रसी अल्लाह ताला नो तशरीफ ले आंदे ने दरवाजे ते इजाजत ले दाखल होए, ते आमिना दे लाली सलाम उठ के बैठ जांदे ने, ते हजरत उमर रसी अल्लाह ताला अनहो मेरे आका दे कदे जिस्म पाक वल वेंदे ने, कदे आमिना दे लाल दे चेहरा मुबारक वल वेंदे ने, कदे आप दे जिस्म पाक वल वेंदे ने, ते नाल अखां छो छम छम आंसू निकलन लग जांदे ने, ते हम हजरत उमर फरमान लगे ए अल्लाह दे पाक पैगंबर जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुहाडी हालत वेख के ते मेरी अखां चो आंसू आ रहे ने, अल्लाह दे नबी जी असी इन्ने भी ते नहीं रह के तुहानू बेहतरीन बिस्तरी ना बना के दे सकीए, सोनिया वेखो ते सही ए खजूरां दी चटाई है, तुहाडे जिस्म पाक ते निशान पै चुके ने, ए महबूब सोने हां असी तुहाडे वास्ते नरम गरम बिस्तरियां दा इंतजाम करने हैं, ते मेरे आका अली सलाम फरमांदे ने ए उमर प्यारे आए ए चीज़ा मैनू पसंद नहीं, अल्लाह दे नबी क्यों नहीं पसंद, हालांकि कैसरो किसरा दे बादशाह जेड़े ने ओए उन्हां दे ते कुत्ते भी रेशमी बिस्तरियां ते सौंदे ने, महबूबा तुसी सारी कायनात दे सरदार हो, ते असी तुहाडे वास्ते बेहतरीन कोई बिस्तर बनाने हैं, गुजरा वालिया और दुनिया दी दौलत नाल मुहब्बत करन वालिया, दुनिया दे माल नाल प्यार करन वालिया, और दुनिया दिया सिपो सीने आजाइश ते रबैश नाल मुहब्बत करन वालिया, मेरे आका ने जवाब की दिता, आप फरमांदे ने उमर यार कोई गल नहीं, अल्लाह ने उन्हां नू दुनिया विच सब कोई दे दिता है, ते अल्लाह सानू अपने जन्नत विच सारा कुछ अता कर देंगे, ए उमर प्यारे मैं ते दुनिया नाल मुहब्बत ते लगाओ लाया ही नहीं, मेरा ते दुनिया दा कोई सीर ही कोई नहीं, मैं ते दुनिया नाल मुहब्बत ही कोई नहीं लाई, और दुनिया दे मालो दौलत नाल मुहब्बत करन वाले आ के जिन्ना नू अल्लाह ने कायनात दा सरदार बनाया, कायनात दा रहनुमा बनाया, उस नबी नू ते दुनिया नाल इन्नी मुहब्बत नहीं है, हाँ हाँ अपनी जिंदगी गुजारन वास्ते जायज हलाल दा होना चाहिए, जिंदगी बसर करन वास्ते दौलत होनी चाहिए है, मामलात वास्ते होनी चाहिए है, लेकिन अपनी दौलत दे मगन होके अपने रब नू ना भुलाया कर, अपनी दौलत अंदर गरक होके एदी मुहब्बत अंदर गरक होके रब दियां ना फरमानियां ना करिया कर, अपने मालक दियां ना फरमानियां ना करिया कर, जेड़ा मालक तेनू दे सकदा ओ तेरे कोल खो भी दे सकदा, आ जेड़ा तेनू कक्का तो लख कर सकदा एक मिंट ते सैकंड विच तेनू लखा तो कख भी कर सकदा, ए उस मालक दियां तकसीमां ते ओदियां मर्जियां ने, ना फखर करिया कर तकबर करिया कर, हर वेले कोशिश करिया कर, और रब इज्जत बहुती देवी अल्लाह माल बहुता अता करी ते ओना ज्यादा मालक दा शुक्रिया अदा करिया कर, ओना बहुता रब दे सामने गिरिया कर, ओना बहुता रब दे सामने गिड़गिड़ाया कर, और कदम कदम ते अपने रब दे सामने मुआफिया मंगिया कर, एवे बंदे दा मालो दौलत जेड़ा यदि तौबा दे अगे रुकावट बन जांदा किवें, आओ इस तो अगली बात मैं दसां, कई बेनसीब ऐसे ने दौलत बड़ी है माल बड़ा है सूद दे नाल दौलत कमाई है, जुआ खेड खेड के माल कमाया है, रिश्वत लै
ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਦੌਲਤ ਇਹਨੇ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਬੰਦਾ, ਬੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਜੋ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰਾਮ ਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਸੂਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜੂਆ ਮੈਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਜੋ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕਾਣ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਰ ਸਜਦੇ ਦੇਣ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਓਏ ਅੱਜ ਤੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਏਗਾ ਹਰਾਮ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਏਗਾ ਜੂਆ ਖੇਲਣ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਏਗਾ ਤੂੰ ਜਨਾਬ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਏਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਵੇਖ ਲਈ ਤੇਰੀ ਦੌਲਤ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਕੱਲ ਤੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹੇਜ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਕਿੱਥੋਂ ਦਵਾਏਗਾ, ਅੱਜ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਤੇਰੀ ਡਾਂਟ ਠਾਠ ਬਾੜ ਤੇਰੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇਰੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇਰੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੌਲਤ ਤੇਰੀ ਤੇਰੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐ ਸੇਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਸਵਸੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵਾਂ, ਹੈ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਿਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਾਮ ਦਾ, ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਦਾਵਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣਾ ਸੈਟਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਜ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਜ ਕੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਬੇਨਸੀਬਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਵਕਤ ਕੋਈ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਸੇ ਹਰਾਮ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ, ਹਰਾਮ ਖਾਂਦੇ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਓਏ ਉਹ ਮਲਕੁਲ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਚਪਨ ਵੇਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੜਕਾਪਨ ਵੇਂਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੇਂਦਾ, ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਏਜ ਤੇ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮੁਕਰਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਆ ਚੰਦ ਦਿਨ ਚੰਦ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਹੀ ਵਾਕਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੋਹਤਰਮ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸ਼ਦ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਟੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨੋ ਗਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਆ ਜਾਣੀ ਕੱਲ ਆ ਜਾਣੀ, ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਪੈਗਾਮ ਘਰ ਜਵਾਨ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਤੌਰੇ ਇਬਰਤ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੌਬਾ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੌਬਾ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜ਼ਰੀਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਵੇਨੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਿਆ ਰੱਬਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਸ ਨਹੀਂ ਛੇਗਿਆ ਉਹ, ਪਰ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੀ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ, ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਉਠਾ ਕੇ ਐਸੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਉਠਾ ਕੇ ਐਸੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਮਨਾ ਮਨ ਮੱਟੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦਫ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਬਾ
रास्ता दे के हाथ जोड़ के अज तेन दावत देना वा। अज ही अपने रब दे सामने सजदे विच डिग पै, ते अज ही अपने मालक दे सामने सजदे विच डिग के अपने मालक दा तरला कर। आ तरला किवें करना मैं दसना, अपने मालक दा तरला कर ते आखिया कर, मेरे कोल ऐ बांदे अंबार अल्लाह, मेरे कोल ऐ बांदे अंबार अल्लाह, तेरी सिफत सतार गफार अल्लाह, मेरे कोल बदियां दे लखां खजाने, मेरे कोल बदियां दे अल्लाह, मेरे कोल बदियां दे लखां खजाने, तेरे कोल बख्शिश दे लखां बहाने, मेरे कोल बदियां दे लखां खजाने, तेरे कोल बख्शिश दे लखां बहाने, तेरी ठाठ रहमत दी बदियां नू थोवे, तेरी ठाठ रहमत दी बदियां नू थोवे, मेरे जे आसी क्यों बे आस होवे, तेरी बार गाबाजो किधरे न ढोई, तेरी बार गाबाजो किधरे न ढोई, तेरे अलावा कोई चारा न कोई, गुनागार आजज हाँ बेकस बेचारा, गुनागार आजज हाँ बेकस बेचारा, मगर तेरी रहमत द मौला सहारा। ओए आखर मैं तेरा बंदा हाँ, खा चंगा हाँ खा मंदा हाँ, मैनू अपनी रहमत, मैनू अपनी रहमत, मैनू अपनी रहमत अता कर दे, मैनू अपनी रहमत अता कर दे, मेरी हर एक माफ खता कर दे, मैं होर किसे दर ते जाना नहीं, मैं होर किसे दर ते जाना नहीं, तेरे बाजो और टिकाना नहीं है। तू आखिया सी गैरती ना मंगी, तू आखिया सी गैरती ना मंगी, मेथो मंगदिया ना संगी, अल्लाह दर भी तेरा आखिया कर, आखिया कर, अगर तूने मेरा मुकद्दर ना बदला, अगर अगर तूने मेरा मुकद्दर न बदला, बता तेरी ये कामिल नजर किस लिए है, अगर ये दीवाना यूं लौट जाए, ये दर किस लिए है, ये कर किस लिए। तरला मारिया कर अपने मालक दा, माफिया मंगिया कर अपने मालक दे कोलो, ए ना सोचिया कर हो सकदा मैं कलाश हो जावां, मैं गरीब हो जावां, मैं कंगाल हो जावां, मेरा माल मेरे को चला जाएगा। और तेरे सामने नबी दे यारां दियां जिंदगियां ने, नबी दे सहाबा दियां जिंदगियां ने, और जिन्ना ने कुफर तो तौबा की, अपना सारा कुछ छड़ दिता है, और लोगों मां भी छोड़ दिता, औलादा भी छोड़ दितिया ने, बीविया भी छोड़ दितिया ने, अल्लाह करोड़ा रहमत फरमाए। ए हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह ताला अनु दी कबर ते अज करके तुरे, घर वालिया ने बच्चा भी खोलिया, ससुराल वालिया ने बीवी खोली है, भरावां ने सवारी खोली है, माल सादे राह खोलिया, अज करके पैरों में जुत्ती भी कोई नहीं। नबी दा यार सारा कुछ इस्लाम वास्ते कुर्बान करके मदीने पहुंचदा, मेरे आका दे पीछे जोहर दी नमाज पड़ी, आका फारग होए, आपने अब्दुर्रहमान नू बुलाया, अब्दुर्रहमान ने अपना सारा वाकया सुनाया। अल्लाह दे नबी जी
मैं सारा कुछ लुटाया वै। आका वरमादरों परवाने है, जे ईमान बचा के आ गया ते कुछ भी नहीं लुटाया। अरे अब्दुर्रहमान होवे इस्लाम वास्ते सारा कुछ लुटान वाला है। लोगो मदीने दी तारीख इस बात दी गवाह है। एक वेला आया अब्दुर्रहमान ओ नबी दा सहाबी है, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ओ नबी दा सहाबी है, जिदे बारे मेरे आका फरमाया कर दे सी अब्दुर्रहमान रोड़ के जन्नत में जाएगा। सोनिया एदे तो मुराद की है, फरमाया रब ने दौलत भी बड़ी दिती, रब दे राह विच खर्च भी बड़ा कीता। अब्दुर्रहमान एनी तेजी ना रब दे जन्नत में जाएगा जिमें उची जगह तो को पत्थर नीचे सुटे आ जाए। और किन्नी स्पीड ना पत्थर रुड़ के थले आउंदा है, एनी स्पीड ना मेरा अब्दुर्रहमान रब दे जन्नत में जाएगा। सारा कुछ उन्हें इस्लाम वास्ते कुर्बान किया है, ते लोगों रब ने कमियां ही कोई नहीं रहन दितियां, अल्लाह ने सारियां ही कसरां च कढ़ दितियां ने। आ इस तो अग्गे चलिए, आ मेरा दिलाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह दे पाक पैगंबर सलातो वसलाम ने फरमाया, और कई बंदे तौबा इस वजह तो नहीं करते, और लो जी असी तौबा करांगे ते लोग की आखणगे बरादरी, बरादरी की आखेगी लो। ये हुण बड़ा वड्डा सूफी मैं किताब अंदर पढ़ रहा सी कि कई बंदे इंज दे ने गुनाह विच लगे होण, उहनां नूं आखे यार गुनाह छड्ड दे, अगों वधा की आंदे ने, लो तू की करदा रहे हुण तक, तू भी ते आई काम करदा रहा, और जवानी विच आ अमल करदा रहा, जवानी विच तू भी ते आई करदा रहा, जे हुण बुढ़ा हो गया ते तेरे कोल मामला नहीं हुंदा, ते हुण वड्डा तौबा तायब करन वाला हो गया, ते सानू वाज़ो नसीहत करना है। और ईमान दल दसोखा इंज दे लोग भी है ने के नहीं, या फिर कई इंज दे बहाने लांदे हो, लो जी तुसी सानू मना करदे हो, ओ फलाना बड़ा वड्डा नमाजी है, बड़ा वड्डा हाजी है, एडी एडी उहने दाढ़ी रखी है, ओ भी ते सूद खांदा ना, फलाना बंदा ओ भी ते हराम खांदा ना, फलाना बंदा उहने दाढ़ी रखी है, ओ भी ते ऐ कम करदा, ते जे ओ कर लैंदा मैं कर लिया ते केड़ी गल है। ओ सोनिया ते शैतानी चालां ने तू अपनी कबर विच पैना, उहने अपनी कबर विच पैना, अपना हिसाब तू देना, उन्हें अपना हिसाब देना, और तेरा नामा माल अपना है, ओदा नामा माल अपना है। इस वास्ते ना इंज दा ज़हन बनाया कर, ना इंज दियां बातां करया कर, ना इंज दा ज़हन बनाया कर। सोने अल्लाह जिन्नी तौफीक दे देवे, मैं ते इस तरह आखिया करना वा। अल्लाह ने कुरान मजीद दे अंदर सूरा बनी इसराइल दे अंदर अल्लाह ने दो भाइयों का किस्सा बयान किया, ये दोवे दौलतमंद दोवे माल वाले ने, और एक अपना माल कट्ठा करके सारा रब दे राह विच दे देंदा, ते दूसरा बंदा जेड़ा मालो तक माल बड़ा तकबर बड़ा गरूर बड़ा, एदा भराई एदे कोल चला जांदा, आंदा यार मेरे कोल मैनू फलां जरूरत पै गई है, मेरे ते जरा थोड़े जे पैसे बतौरे कर्जे ही दे दे, और आंदा जा अपना सारा माल बर्बाद करके मेरे को आ गया है, मेरे को की लैन आया तेरे वास्ते, मेरे को कुछ नहीं। ये आंदा रब को डर, इस तकबर ते फखर ते रब को तौबा कर ले, अल्लाह नू तकबर फखर पसंद नहीं हो। ओए दौलत किसे दियां सकिया नहीं, अज तेरे कोल कल किसे और कोल परसों किसे और कोल है, सियाने लोग आंदे ने टलदा परछावा कदे किते ते कदे किते, इन्हें बड़ा फखर किया। अल्लाह दा कुरान कहिंदा है इंज करके रात सुता, अल्लाह ने हनेरी भेजी है, तूफान आया ओदे विच आग आई है, एदा सारा बाग जला के तुर गई, ए जड़ा अरबा पति है, दिन चढ़िया ते गलियां ते कखां तो भी हौला हो चुके आ। ना अपने माल ते फखर ना आखिया कर, ओ फलाना भी आए, ओ लोग करदे ने
माड़ा बंदा कदे भी ये लफ्ज नहीं आखेगा, गरीब बंदा कदे भी यहो जी बात नहीं करेगा, हमेशा वो ही कहेगा कि जिदे दिमाग अंदर अपनी दौलत दी बो है, अपने माल दी बो है। तो इस वास्ते मेरे वीर मेरे बरादर अल्लाह दा कुरान कहिंदा है तू बो इल्लाह जमीया, रब ने तेनु वेला दिता है, रब ने तेनु रहमतां दियां घड़ियां दित्तियां ने, अल्लाह ने वेला दिता है, मौका दिता है, रब ने सीजन दिता है, अपने रब दे सामने आप मेहनत कर ले, अपने रब दे सामने तौबा कर ले, जदो मेहनत तौबा तू करेगा अल्लाह सुल जलाले वाली करावे तेरी तौबा कबूल करके अपनी रहमत दा मुस्तहक बना के, ते जदो तेरी जिंदगी साफ शफाफ गुजरेगी इधरो तेरी मौत दा वेला आएगा, ते फिर अंदार किड्डा प्यारा अकीदा तेरा तौहीद होवे, इहदे ते इस्तकामत वाला होवे, अल्लाह दे सामने तौबा करन वाला होवे, तौहीद बयान करन वाला होवे, हक दसन वाला होवे। अल्लाह दा कुरान कहिंदा इन्नल्लदीन कालू रब्बन अल्लाह सुम्मस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा वालकुम फिया मा तश्तही अनफुसुकुम। इधरों जिंदगी गुजार मौत दा वेला करीब है, अल्लाह दे फरिश्ते जन्नत दियां बशारतां लैके आ रहे ने, जन्नत दे पैगाम लैके आ रहे ने। इस वास्ते मेरे बरादर मेरे भाई रब ने मौका दिता है, बेहतरीन मौका बेहतरीन रब ने सानू सीजन दिता है अल्लाह को माफी मंगन दा, नेकियां करन दा, अपनी आखरत बनान दा, दुनिया आखरत दियां कामयाबियां हासिल करन दा। अल्लाह मैनू तुहानू किताब व सुन्नत नू समझ के अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।